वहाँ पर हर खिलाड़ी अच्छी तैयारी करके पहुँचते हैं और सिल्वर मेडल लिया है अपना, उसने बढ़िया खेल दिया है, पीछे से उसने और भी आगे अपनी तरक्की की है, बहुत अच्छा, देश की झोली में एक नया मेडल और जुड़ गया। नहीं देखो, वो तो उसकी जो खेलता है उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है, तो उसका ध्यान सिर्फ खेल के ऊपर है, बाकी दूसरे कामों में या किसी में उसको ध्यान नहीं बटाता, वो खेलों में ध्यान रखता है। नहीं ऐसे नहीं, दबाव नहीं मानता ऐसे, तो अरशद नसीब भी पहले वो फाउल हो गया, तो ये तो खेल में चलता ही रहता है, फाउल भी होते हैं, आगे पीछे भी होते हैं, चलता रहता है। अरशद भी अच्छा खिलाड़ी है, कोई ऐसी बात नहीं, वो कमज़ोर खिलाड़ी है। हाँ, सारे गांव में खुशी का माहौल है, ये भी कोई छोटा मेडल नहीं है सिल्वर मेडल लेना, असल में जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो भी अच्छे खिलाड़ी पहुँचते हैं, चाहे उनको मेडल मिले या ना मिले, अपना खेल अच्छे दिखा के आते हैं और वो भी हिस्सेदार है खुशी के, भाई वहाँ तक पहुँचे। चलो तो प्रैक्टिस करता रहेगा, जो अच्छे और भी तरक्की करेगा, वो तो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, बड़े आदमी तो आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं अपने बच्चे के लिए, बाकी गांव में वो आएगा तो उनका स्वागत अच्छे से किया जाएगा। हाँ, बधाइयों का दौर तो जब सब गांव वाले बाहर दूसरे गांवों से भी आए हुए थे तो बधाई दे रहे हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं जो हमारी खुशी में शरीक हुए, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने परिवार की तरफ से, और धन्यवाद ही रहेंगे उनका, और देश का आशीर्वाद हमारे पर खूब बने रहा।